रही है, चारों तरफ पुलिस घेर के खड़ी है, नहीं जाने दे रही है। हमारा लक्ष्य इस समय दिल्ली है, तो भाई यहाँ से रोकोगे तो वहाँ से जाएंगे, वहाँ से भी रोकोगे तो कहीं और से जाएंगे, और कहीं से भी रोकोगे तो जमुना में अगर पार होकर जाने थे तो रोकोगे ही ना, सड़क ही तो रोक सको। हम तो नंगे जमुना में कूदेंगे और जमुना कूद के तैर के पार जाएंगे पल्ली तरफ। सब कुछ है, इरादे हमारे बैरिकेटिंग से ज्यादा मजबूत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मास्टर रहे हैं, हम तो मास्टर के और किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी मास्टर भी थे और किसान भी थे, और उनसे बुद्धिजीवी मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होता है जो दुनिया को शिक्षा देता है। मैं अपील करूँगा लोगों की समस्याओं को देखते हुए, अपने ही लोगों की समस्याओं को देखते हुए, इस आंदोलन को जो कि वहाँ जाने की है कि हम कालिंदी कुंज पे जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, एक रोड ऑलरेडी बंद है, दो रोड और चल रही है उसमें एक बंद हो जाएगी, तो सारे आप ही के बंदे परेशान होंगे, आप ही के बंदे भाई बंदे परेशान होंगे। मेरी अपील है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसे शांतिपूर्वक आप धरना कर रहे हैं वैसे धरना करते रहें और यहाँ से वापस चलें। मेरा बार बार आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, धन्यवाद। डीसी साहब का अनुरोध शर्मा थे, कालिंदी कुंज के लिए डीसीपी साहब मना कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक यहाँ से बैक होंगे और डीएनडी वाले टोल से दिल्ली चलेंगे। डीएनडी वाला तो सही है जी, डीएनडी में तो कोई आपत्ति नहीं। राजीव जी टैक्स में मेरा डीएनडी की तरह आपने यहाँ कालिंदी कुंज की अपील की है, तो डीएनडी से हम दिल्ली जा सकते हैं। अध्यक्ष जी का आदेश जो है वो होगा अभी हमारे, सुनिए भाई, अरे सुनिए, जोश जो है वो होश के साथ अच्छा लगता है, शांति से बैठ जाएं। डीसीपी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार देखिए, वार्ता और संवाद ही है समस्या का निदान, बैठ जाओ, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इतना कुछ नहीं बोलने वाले जब तक हम यहाँ बैठोगे नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे हम, जब तक आप बैठोगे नहीं एक शब्द नहीं बोलेंगे। बैठने की ताकत महात्मा गांधी ने हमको दी है, और बैठने की ताकत से बड़ी ताकत दुनिया के अंदर कोई दूसरी ताकत नहीं है, इसलिए बैठने की ताकत आपने समझिए, बैठना सीखो। वादा करते हैं डीसीपी साहब की बात सिरोधार्य रखते हुए हम कालिंदी कुंज नहीं जाएंगे, डीएनडी के रास्ते से दिल्ली जाएंगे। हमारा मकसद केवल कालिंदी कुंज से रिलेटेड नहीं है, मेरा मतलब है, मैंने आपको बताया कि तीन रास्ते दिल्ली जाने के हैं हमारे यहाँ से, इसमें एक रास्ता बंद है और दो रास्ते चल रहे हैं, अगर एक रास्ता आप और बंद कर देंगे, चाहे कालिंदी कुंज हो चाहे डीएनडी है, वही दिक्कत आएगी, जो कालिंदी कुंज वाली दिक्कत है डीएनडी बंद करने से वो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रास्ता बंद नहीं करेंगे डीसीपी साहब, दिल्ली जाएंगे, नहीं प्लीज दिल्ली जाएंगे, रास्ता बंद नहीं करेंगे। मेरा अनुरोध है, अनुरोध मान लीजिए, हम आपके आंदोलन में हम लोग बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं, और किसी प्रकार का आपसे ना हमको दिक्कत आ रही है ना हमारे से आपको दिक्कत आनी चाहिए, मेरा अनुरोध है स्वीकार करिए। तमाम आपके परिजन, तमाम आप ही लोगों के साथी संबंधी किसान सब ड्राइवर सारे लौट गए, अभी आके सारे लौटे हैं, रोड भाई मीडिया भी देख रहे हैं, पीछे रोड खाली पड़ा है, कहीं कोई सवारी नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं, यहाँ से लौटे हैं, यहाँ से वहाँ डाइवर्जन चल रहा है, विनती कर रहे हैं, बिल्कुल नम्र निवेदन कर रहे हैं, डीएनडी के रास्ते से अब हमको कालिंदी कुंज नहीं जाने देते हैं भाई, चलो कड़क पर और दूसरे रास्ते पर किसान आके जो है वो बैठ चुके हैं। हमारे एसीपी साहब डीसीपी साहब यहाँ खड़े हैं, हम तो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं बस डीसीपी साहब से, सुनो भाई, हम भी जान रहे हैं कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो डीसीपी साहब की जेब में ना आए, वो तो जहाँ से मिलना है वहीं मिलना है। जब हम थानों वगैरह में जाते हैं कोई शिकायत विकायत लेने को और शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो हम कई बार पुलिस के अधिकारियों से ये पूछते हैं कि जी कोई समस्या का समाधान नहीं है, थाना जगह पुलिस लगानी है, वहाँ पुलिस नहीं है, भैया अध्यक्ष जी तो नाइट गश्त नहीं है, तो हमेशा हर अधिकारी हमसे क्या कहता है पुलिस का, अभी क्या करें, एक थाने में इतने सिपाही पड़ रहे हैं, एवरेज में सिपाही है ही ना, स्टाफ ही ना, भर्ती नहीं हो रही, अब हमें यूँ पता होना ये पुलिस कहाँ तैर रहा रही है इतनी, आनो तो अलग चीज हो, यू तो अर्रा रही है भैया, हम बहन जानते हैं, हम जानते हैं हमारा पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है और पुलिस को की भी हमसे लड़ाई नहीं है बिल्कुल, लेकिन नंगे होगा तो हम डीसीपी साहब इसलिए चले, आज ईमानदारी बता दो सूरज माथे, हम यो चाह रहे आप हम पे लठ बजाओ और कुर्ता उतार के मीडिया को वो निशान ना दिखाने पड़े, ऑटोमेटिक निशान नंगी कमर पे मीडिया हमारे ऊपर, लेकिन भाई लेकिन
और हम लठ लठ लेके हम इसलिए चले थे कि भैया पुलिस जो हम पे लठ बजावे तो भाई एक आध पेतरा चलाने का नहीं, केवल अपने बचाव के लिए हम उनके लाठी को तमन कहीं रोक सके, इस वजह से था। लेकिन भाई अब ऐसे पुलिस को क्या करें जो आगे से यूँ करे, भाई आप हमारे अन्नदाता हो, हाथ तोड़ के खड़े भैया पुलिस को अच्छे अच्छे नकार दे भैया 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 बैठ साथियों, आपके आंदोलन को देख करके हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स बुलाया था, पीएसी वगैरह तमाम बाहर से फोर्स बुलाई गई है। और रही लाठी चार्ज की, लाठी से डंडे के मारने की, तो हम तो आज तक न किसानों पर लाठी चलाए हैं न कभी चलाएंगे। और आप लाठी डंडा लेके आए हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी नहीं चलाओगे, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम दिल्ली इसलिए नहीं जाने देना चाह रहे हैं कि बहुत लोग परेशान होंगे, बहुत रास्ता जाम होगा, दिक्कत आएगी, परमिशन वहां की नहीं है। आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज करके अगर जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं कभी नहीं। तो अगर ऐसा नहीं करोगे, हम आप पे नहीं चलाएंगे, आप हम पे नहीं चला रहे, तो मेरा अनुरोध स्वीकार करो और जहां शांतिपूर्वक आप बैठे हो वहीं धरना देते रहो, हम आपके साथ हैं। सुनेंगे कब तक ना, दिल्ली सरकार को भाई सुनना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और शांति की भाषा ही दूर तक जाती है, ये भी ध्यान रखो। पर डीसीपी साहब से मेरा एक कहना जरूर है, हमारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी एसीपी साहब भी खड़े हो, एडिशनल डीसीपी साहब भी खड़े, भाई ये पूरे नोएडा जो है, गौतम बुद्ध नगर, ये पूरे स्टेट का, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे विशेष जनपद माना जाता है, सबसे खास। लेकिन आज हमें पता चली मां साहब, यहाँ की पुलिस भी सबसे खास है। जितनी भी बैरिकेडिंग दिल्ली के चारों ओर हो रही है उसमें बैरिकेडिंग आगे रहती है और पुलिस पीछे रहती है, यानी पुलिस के और किसानों के बीच में बैरिकेडिंग रहती है। और हमारे यहाँ की पुलिस अब या तो अच्छी कहो भाई, या जो सावधान कहो, या बुद्धिमान कहो, भाई बैरिकेडिंग पीछे करते हैं और आगे हमारे खड़े हो जाओ। भाई अपने भाई से भाई तो लड़ नहीं सकता, सीधी बात है, ये बात है, भाई से भाई नहीं लड़ सकता। जब डीसीपी साहब कह रहे हैं कि हमने आज तक कभी किसी किसान पे लाठी नहीं चलाई, तो किसान तो डीसीपी साहब आप जानते हैं कैसा है, आप किसान की मिट्टी से के अंकुर हो, जो वृक्ष बन करके कहीं बैठे हो वो आप साहब जानते हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। अब मास साहब का जो आदेश होगा जो भी है वो हमारा है। डीसीपी साहब की बात सिर माथे, आज पंडित जी ने मना कर दिया था, सुबह इन्होंने पूछा था पांडे जी के पत्रा में, कल चलेगी वही, ठीक है, कल तो नहीं रोकोगे, कल तो नहीं रोकोगे, अब चलने का प्रोग्राम डीसीपी साहब कल का नहीं, नौ के बाद का होगा, कल ना, कल के नहीं, नौ के बाद जो है, नौ को यदि किसान की बात नहीं सुनी जाती तो उसके बाद सभी जो मेरे जो दूर दराज से जो मेरे किसान भाई आए उनको सूचना की जाएगी और आगे का प्रोग्राम नौ के बाद। बाकी अब कल से, सुनो, कल से नौ तक हम लोग जो यहाँ रेगुलर रहते हैं जो भी अपना कार्यक्रम अपना करेंगे वो अपने स्तर पर अंदर ही करेंगे, बाहर का प्रोग्राम। मुझे ये बताया है वो जो कौन सा है जहाँ दिल्ली प्रशासन ने परमिशन दी है, बुराड़ी, बुराड़ी में प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार खाने पीने लेटने बैठने पिसार टट्टी लेटरिन बाथरूम सबका इंतजाम बुराड़ी में अच्छा करती है। बुराड़ी के लिए कह रही सरकार बुराड़ी चले जाने दो, बुराड़ी के लिए तो कह रही है दिल्ली सरकार भी कह रही है बुराड़ी चले जाने दो भाई, क्योंकि सुनो हम खुले आसमान के नीचे हैं। डीसीपी साहब, मेरी स्वयं तबीयत खराब है, मेरी आवाज आप देख रहे होंगे, रात को ठंड कितनी पड़ती है, ओस कितनी पड़ती है, बिल्कुल मेरा किसान खुली होस में इस कड़ाके की ठंड में आप साथ बिस्तरों में सोते होंगे, मेरा किसान इस प्रेरणा स्थल से प्रेरणा ले रहा है और खुले आसमान के नीचे होस में सो रहा है। भाई क्या करें, टेंट वाला हमें टेंट नहीं देता, बिस्तर वाला बिस्तर नहीं देता, कहता है जी हमें तो पुलिस मारेगी, हम पुलिस की परमिशन के बगैर आपको टेंट नहीं देंगे, हम पुलिस के, हमें तो राशन वालों ने मना किया है भाई, हम राशन भी नहीं देंगे, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, हमारा चालान हो जाएगा, हम पर इनकम टैक्स सही टैक्स आ जाएगा, राशन देने वाले राशन बंद कर रहे हैं, टेंट वाले टेंट देना बंद कर रहे हैं और पानी वाले पानी देना बंद कर रहे हैं, तो भाई हमें बुराड़ी चले जाने दो, बुराड़ी की सरकार हमारा अच्छा इंतजाम कर रही है। आप 17 किसान संगठनों ने प्रदर्शन करना था, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त सिरसा के
बाबा भूमन शाह चौक की, जहां पे किसान संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि किस तरह से किसान है वो बैरिकेड्स हटाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसानों ने बैरिकेड्स है वो हटा दिए हैं और अब एकाएक पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर लिया है, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से किसानों को खदेड़ा जा चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि किसानों को खदेड़ा जा चुका है। किसान है पीछे हट गए हैं क्योंकि किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और उनके घर का घेराव करने के लिए किसान है वो बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास कर रहे थे और अब जो है किसान है उनको पीछे खदेड़ा जा चुका है। वाटर कैनन पानी की बौछारें हैं, किसानों पर जो है वो प्रयास किया जा रहा है और ये कहूँगा कि जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किसानों को खदेड़ा गया है, हालांकि किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं, किसान फिर से वापस आ गए हैं और किसान है जिस किसान जिस गाड़ी पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो गाड़ी के जो है एक साथ में किसान है वो बैठे हुए। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि पुलिस बल है वो भारी पुलिस बल वो यहाँ पे मौजूद है और करीब 4 जिलों की 3,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी यहाँ पे बुलाए गए थे क्योंकि दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान से 100 मीटर दूर तक जो है पूरी तरह से ये घेराबंदी की हुई थी। बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे और इन बैरिकेड्स के साथ साथ लोहे की बड़ी पाइप के साथ इन बैरिकेड्स को बांधा गया था और किसानों ने वो जो है उखाड़ दिए हैं बैरिकेड्स। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ, हालांकि बैरिकेड्स उखाड़ते वक्त किसानों की पुलिस कर्मचारियों के साथ झड़प भी हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ हरियाणा के सिरसा की।